Hello students and welcome back to my channel. I am Rishita Shivastav, your maths teacher from AIIMS International. Students, this video is for class 4. Before starting this video, I would like to remind you to please like and subscribe my channel. And please share it to your friends to subscribe them. Students, I was on the topic world problem. Today, I will discuss some more questions on world problem. Now, my second question is today, that is, there are 576 buttons in a packet. Now, in a packet, बहुत बड़ा वर्ड है स्टूडेंट, इसकी हिंदी हम पहले बाद में पढ़ेंगे. फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं. देयर आर 576 बटन्स इन अ पैकेट. फाइंड द नंबर्स ऑफ बटन इन 249 सच पैकेट्स. स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम इसकी हिंदी समझने की कोशिश करेंगे कि देयर आर 576 बटन. आपने देखे होंगे छोटे छोटे जो बटन होते हैं, वही कहा गया है यहाँ पे 576 बटन इन अ. अ का मतलब होता है यहाँ पे वन, एक पैकेट में. अ पैकेट यानी वन पैकेट में 576 बटन रखे जाते हैं. तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बटन्स, यानी उन नंबर्स बटन्स का बताइए कि 249 की, अगर इस तरह के 249 पैकेट्स हों, सच पैकेट्स मतलब इस तरह के 249 पैकेट्स हों, तो कितने बटन्स होंगे. स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कोई भी नंबर या कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले सबसे पहले आप क्या राइट करते हैं, वो है आपका स्टेटमेंट. सो वी विल राइट द स्टेटमेंट. फर्स्टली सबसे पहले हमने बताया आपको, जब आपको संख्या में नंबर्स में कोई चीज दी जाती है तो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है आपका नंबर ऑफ. बट नंबर ऑफ के साथ किसका नंबर बता रहा है आपको, बटन्स की बात कर रही है, तो नंबर ऑफ बटन्स. बटन्स तो है लेकिन बटन्स को कहाँ रखा गया है, इन अ पैकेट, एक पैकेट में. तो नंबर्स ऑफ बटन्स इन अ का मतलब क्या मैंने बताया, इन वन पैकेट. वन पैकेट में कितने बटन्स हैं, 576. ओके, नाउ फाइंड द नंबर ऑफ बटन्स इन 249 सच पैकेट्स. अगर कह रहा है वन में इतना है तो इस तरह 249 पैकेट्स में कितना होगा. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा होगा नंबर ऑफ बटन्स, क्योंकि इसमें भी सेकंड स्टेट में भी आपका किसका बात कर रहा है, बटन्स का. नंबर ऑफ बटन्स इन सच कितने, 249 पैकेट्स इक्वल. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जब आप नाउ, अब हमने वन की बात कर ली थी, वन के बाद मुझे कितने की बात करनी है, 249 की. तो नंबर ऑफ बटन्स इन सच 249 पैकेट्स, अगर इसी तरह के 249 पैकेट्स होगी तो बटन्स कितने रखे जाएंगे, वो इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा. क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब आप वन से ज्यादा क्वांटिटी की तरफ जाते हैं तो वहां पे होता है मल्टीप्लीकेशन. जैसे वन का पूछा है और वन के बाद ही आपको कह दिया बहुत बड़ी क्वांटिटी निकालने के लिए, तो वहां पर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं. सो 249 को आप 576 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. एज यू नो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर. स्टूडेंट्स, व्हेन यू गेट द आंसर, योर आंसर विल बी कंप्लीटेड ओनली विद द स्टेटमेंट ऑफ हेंस. तो आप लिखेंगे नाउ यू विल मल्टीप्लाई इट बाय राइटिंग इन द कॉलम्स. स्टूडेंट्स, आई एम नॉट मल्टीप्लाइंग बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाउ, आई हैव टॉटेड यू हाउ टू मल्टीप्लाई इट. सो यू हैव टू राइट देम इन कॉलम्स एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, देन यू विल गेट द आंसर. एंड वेन यू विल गेट द आंसर, योर आंसर विल बी कम्प्लीटेड ओनली बाय द हेंस स्टेटमेंट. हमने आपको बताया है कि मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका जो स्टेटमेंट है वो तभी कम्प्लीट होता है जब आप हेंस का स्टेटमेंट भी प्रूव करते हैं. हेंस 249 सच पैकेट, यानी कि 249 की जितनी भी पैकेट्स हैं वो कितने कंटेन करेंगे बटन्स, 1,43,424 बटन्स कंटेन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीडिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज
₹647. How much will 369 chair cost? Now student, firstly understand the Hindi of this question. पहले आप इसकी हिंदी समझने की कोशिश करिए. The cost of, cost का मतलब होता है price. Price का मतलब होता है किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका दाम. तो the cost of a chair, of a chair, a का मतलब मैंने बताया था single, यानी एक single chair का price या cost या दाम कह सकते हैं वो कितना है 697, यानी एक chair कितने की है 697 की है. How much will 369 chair cost? अगर इसी तरह की 369 chairs होंगी तो उनका cost क्या होगा. Now एक का cost बताया गया है 697 और हमें निकालना कितने का है 369. Students एक से देखिए कितने की तरफ जा रहे हैं, 300 की तरफ, यानी एक से जब ज्यादा की तरफ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. नाउ फर्स्टली यू विल राइट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, जब आपको कभी कॉस्ट पूछा जाएगा तो आप वहां पर डायरेक्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ. कितने कितने चेयर के कॉस्ट को बताया गया है यहाँ पे, अ का मतलब होता है वन, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ चेयर. कितना है एक कॉस्ट का प्राइस, इज रुपीज 697.